ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरकिशोरे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय यं प्राव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायनो विवकातर्यादिभाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो तं सर्वभूतहृदयं तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञाय राधे तं मैं सर्वप्रथम अपने परमाराध्यतम ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरश्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति दैत्य माधव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। जब राय रामानंद जी ने वात्सल्य रस को सर्वसाध्य सार बतलाया महा प्रभु जी बड़े खुश हुए और बोले यह उत्तम आगे कहा वात्सल्य रस उत्तम है और आगे कुछ कहो। राय ने कहा कांत भाव प्रेम साध्य सार कांत भाव प्रेम साध्य सार प्रेम में भी साध्य सार है। कांत प्रेम किसको कहते हैं? कांत और कांता
सखर दास्य भाव में शांतों की शांत भाव में निष्ठा है, दास्य भाव में सेवा है, सख में असंकोच है और वात्सल्य रस में ममता अधिक के कारण कृष्ण में पाल्य ज्ञान और अपने में पालक ज्ञान। यहां तक तो है इन लोगों में, किंतु इसमें एक और है अधिक, निजांग दिया करे न सेवन, अपने समस्त इंद्रियों से कृष्ण की सेवा करते, ये और किसी में नहीं है। ये केवल ब्रजंगनाओं में ही है। प्रिया यदि मान करी करे भत्सन वेद स्तुति होते हरे से ही मोर मन। अभी देखा विचार करके तो दास्य प्रेम में शांत तो ब्रज में है नहीं, आच्छादित है। दास्य लोग के पर देवता हैं, कृष्ण ऊपर हैं, ये लोग निम्न हैं, इस प्रेम के अधीन नहीं होंगे। जहाँ पर बराबर भाव है वहाँ पर कुछ वशीभूत होते हैं सखाओं के प्रेम से, ममता अधिक होने के कारण। वात्सल्य में कृष्ण को बहुत नीचे ले गए, लाल्य पाल्य और अपने को गुरु ज्ञान, और मधुर रस में आया क्या, कांता कांता भाव में आया, सारे भावों को लेकर के, जितने सब अभी तक बतलाए गए सभी भावों को लेकर, उसमें सभी भाव हैं। और अधिकांत रूप में कृष्ण की प्रीति के लिए अपनी आंगिक सेवा भी प्रदान करती हैं, जो दूसरों के लिए संभव पर नहीं है। इसलिए प्रिया यदि मान करी करे भर्सन वेद स्तुति होते हरे से ही हरे मोर मन। यदि प्रियाएं मानकर हमारा भर्सन करती हैं तो वेद स्तुति ब्रह्मा की उससे भी प्रसन्न नहीं होता, उससे भी अधिक प्रसन्न होता। परिपूर्ण कृष्ण प्राप्ति ऐ प्रेमा होते, इसी प्रेम से कृष्ण की प्राप्ति होती है संपूर्ण रूप से, और रसों में पूर्ण रूप से कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती, केवल इसी प्रेम में होती है। इसीलिए गोपियों ने, कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से कहा है न पारे हम निरवध्य संजुजा सुसाधु कृत्या विबुधा पिब माँ भजन दुर्जर गृह श्रृंखला संभृश्य। हे गोपियों, मैंने प्रतिज्ञा की है जो जैसा हमारा भजन करता है उसके अनुरूप उसको फल देता हूँ, किंतु बेशी पाखा होले खराब लगे, अरे मनियो गौरम लगे, और ना तो खोल दो और लोगों के लिए लगे। Do you like fan? न पारे हम निरवध्य संजय, हमने प्रतिज्ञा की जो जैसा हमारा भजन करता है उसका उसी के अनुरूप में प्रतिदान देता हूं, किंतु न पा रहे हम
सबको तो मैं प्रतिदान देता हूँ, किंतु हे गोपियों ब्रज नगर मैं ऋण नहीं चुका सकता। क्यों? यदि मैं कहूँ कि कुछ मांग लो तो तुम लोग यही मांगेगी जे अपनी सेवा प्रदान कीजिए, और फिर सेवा से मैं और ऋणी बन जाऊंगा। और दूसरी बात एक और है, वो क्या है, गोपियां कहें यदि हे कृष्ण, जैसे हम लोगों ने अपने पति को लोक धर्म को वेद धर्म को आर्य पथ को गुरुजनों के आदर को सबको ठुकरा कर त्याग कर हम जैसे एकांत रूप में आपके शरणागत हुई हैं, तुम भी ऐसा हम लोगों के शरणागत हो जाओ। राधा जी ऐसे कहें, चंद्रावली ऐसे कहे, भद्रा ऐसे कहे, सभी जितनी गोपियां हैं कोटि कोटि सभी गोपियां ऐसा कहें, तो कृष्ण किसी को कर सकते हैं? कृष्ण तो कर नहीं सकते। इसलिए यह संभव एकनिष्ठ हम लोग हो नहीं सकते, मैं नहीं हो सकता। तुम जैसे एकनिष्ठ हमारे प्रति हो, मैं किसको छोड़ने से ये मेरे लिए संभव नहीं, किसी को नहीं छोड़ सकता, न मैया को न बाप को न कहीं भी। आधुनिक भक्त भी हों उनको मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा है। इसलिए तुम्हारे अनुरूप मैं भजन नहीं कर सकता। तुम अपने साधु गुणों से ही हमें उस ऋण से मुक्त कर सकती हो, अन्यथा नहीं संभव मेरे लिए नहीं। गोपियों ने कहा, जो आपने स्वीकार कर लिया, यही तो ऋण से आप मुक्त हो गए, ऋण से आप मुक्त हो गए। कृष्ण कहते, इसके द्वारा तो तुमने और भी मुझको पराजित कर दिया और तुम्हारा ऋण में बद्ध हो गया। ये उनकी महिमा है, यही ब्रजरमणियों की महिमा है, इनकी अंतिम सीमा है प्रेम की। इसलिए सर्व साध्य कहा, और वो श्लोक क्या है, मन मत ताम आविर्भूत सौरी स्मयमान मुखाम गुजर पीतांबर धर सकव साक्षात मन मत। कृष्ण साक्षात मन मत कब होते हैं? जब गोपियों के समाज में रहें, वो भी सिर नीचा कर, कुछ मुस्कुराते हुए कुछ लज्जित होकर, और उनके सामने पीतांबर से गले में आबद्ध करके, मानो तृणादप से नीच होकर के उनके सामने आते हैं, उस समय वो मन मत है। गोपियों के समाज में ही कृष्ण मनमत हो सकते हैं, और किसी के सखाओं के समाज में तो मनमत हो नहीं सकते। इसलिए ये गोपियों की और भी महिमा है। इसके लिए दो श्लोक उन्होंने श्रीमद्भागवत से ग्रहण किया, उसकी मैं व्याख्या कर, यू कैन ट्रांसलेट। Yesterday, we heard from the lotus feet of Shiva Gurudev how
Rayananda had suggested to Sri Chaitanya Mahaprabhu that Vatsalya Rasa, perpetual affection, is Sarva Sadhya Sar. Very much controlled by this Vatsalya mood.
But in Madhurya, Kantabhav, there is a collection of all the elements of the ecstatic emotions of the other moods. And one thinks that for the sake of Krishna's happiness, I can serve him with all the limbs of my body. This mood is completely impossible in any of the other rasas. So Krishna is attained and controlled fully by this kind of praying only. Therefore Krishna himself admitted to the gopis of Vrindavan, Na Bhadya Niravadya Samyajam Swasana Krityam Vipudayu Shambhiva Yamma Bhajat Turjaya Keta Srimkala Samarishitanva Pratiyatu Sartuna. Means, O gopis, I have made a promise. Yayatamam Prapatyante Tamskatayva Bhajamyaham. If someone serves me and loves me, then I reciprocate with them accordingly. But, O gopis, I cannot reciprocate with you. It's not possible for me. Why? You then give two reasons. First, if Krishna will say, what do you want? What do you want from me? Then the gopis will reply, oh, you should give us more service. And then if Krishna will give them more service, then you become more indebted to them. So he can never come out from his position of being in debt to the gopis. So he can't reciprocate with them. The second reason, Krishna said, Yama Patan Durjaya Gaya Srimkala. You left your homes, your husbands, your families. You left all Veda and Dharma, religious duties. You left Arya paths, the path of all high class of social etiquettes. You have had complete disregard for public opinion. But I cannot do all of these things. Your love is Ekanishtha. You have left everything just for me. So your love is Ekanishtha, one pointing to me. But I cannot be Ekanishtha because it is impossible for me to give up any of my devotees. I cannot give up Madhya Shoda, Nanda Maharaj. I cannot give up any of my friends. What to speak of any of Krishna's associates in the spiritual world? Any devotee in this world who's trying to serve him from here, Krishna cannot be left him either. So, Krishna said, I can never repay you. Therefore, the glories of the gopis, this is Antim Sima. This means it is the ultimate limit of the glory of devotional service. Only by you, please be satisfied with your own pious nature. So, Srila Radharamananda, he is giving some evidence. So Srila Gurudev is explaining one of them. Tasam Aviravut Story, Smaya Mana Mukambuja, Pitam Varadrasha, Visakshat Nanmata Manmata. When Krishna disappeared during the Ras Leela, and gopis were weeping in separation. Again when he appeared, how did he appear? Smaya Mana Mukambuja. He was smiling very slightly. He was somewhat ashamed and embarrassed. So he was looking down. He had a mood to not be so neat to have, feeling very insignificant for what he had done. And Pitambara Drashavi, holding his Pitambara in a humble submissive mood and decorating with the garland of flowers, how did Krishna look? Sakshat Manmat Manmata. He appeared to be that person who can directly, that Cupid who can directly bewilder the mind and churn the heart even of Cupid himself. So when Krishna is in the Saka Samaj, that means in the assembly of cowherd boys, or in any other assembly, he never looks this beautiful, Sakshat Manmata Manmata. But only when he is in Gopi Samaj, the assembly of the gopis, at that time, their presence, their company, increases his beauty, and he assumes this Sakshat Manmata Manmata roop. And so Sri Paramananda, he is given this as an example. Other examples have been given also, and now Sri Gurudev will explain it. ब्रज में
जितने प्रकार की रतियां हैं, दास्य सख वात्सल्य मधु, इनको दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। दे कैन बी डिवाइडेड इंटू टू, एक संबंधानुगा और एक कामानुगा। दास्य सख वात्सल्य ये अपने संबंध से बंधे हुए हैं, इनकी एक मर्यादा है, मर्यादा का उल्लंघन करके ये अधिक कुछ नहीं कर सकते। इनकी सेवा वासना वहीं तक समाप्त हो जाती है, इसलिए इनकी सेवा संबंधमयी की, संबंध की अनुगामिनी है। मतलब क्या, यशोदा मैया का वात्सल्य रस है तो वो पुत्र और माँ दोनों के संबंध में बंधी हुई है, वो अपने अंगों से सेवा नहीं कर सकती है, गोपियों जैसी सब सेवाएं नहीं कर सकती। जब यही नहीं कर सकती तो नंद बाबा और सिद्धाम आदि सखा लोग या चित्रक पत्रक दास्य लोग क्या सेवा करेंगे वैसे। इसलिए संबंध में, संबंध की मर्यादा से वो बंधे हुए हैं, उनकी सेवा वासना अपने अपने रति के मर्यादा के अनुसार ही में सीमित रहती है। किंतु कांता जो रति है ये किसी से बंधी हुई नहीं है, कृष्ण से कोई संबंध तो है गोपियों का, एक है संबंध, किंतु वो संबंध की प्रधानता नहीं है, उनकी सेवा वासना की प्रधानता है। ऐसी सेवा जिससे कृष्ण की सभी इच्छाओं की पूर्ति हो सके, सभी इच्छाओं की। दास्य सख वात्सल्य वाले नहीं पूरा कर सकते, और गोपियों में जो उनकी सारी इच्छाओं को ही वो पूर्ण करेंगे। उन्होंने वेद धर्म, गुरु गौरव, आर्य धर्म, अपना सतीत्व, कुल धर्म, ये सब तृण की भांति उनके इस कांता भाव में बह जाता है, उसकी परवाह नहीं करती। उनकी सेवा, उनकी सेवा संबंध सब कुछ तदात्म्य हो जाता है। मतलब क्या, रुक्मिणी में पृथक भाव से काम हो सकता है, किंतु गोपियों का काम और सेवा में तादात्म्य रहता है, अपने लिए नहीं। रुक्मिणी सत्यभामा का काम अपने लिए हो सकता है, और इसीलिए उसके द्वारा वशीभूत कृष्ण नहीं होते, और गोपियों का वह काम भी सेवा वासना के साथ में तदात्म भाव को प्राप्त कर लेता है, एक ही हो जाता है, वो कुछ भी अपने लिए नहीं करती। कृष्ण आत्मेंद्रिय काम और गोपियों का काम क्या है, कृष्ण की इंद्रियों को जैसे तैसे वो प्रीति करना, इसलिए निजांग दिया भी गोपियां कृष्ण की सेवा करती हैं। उनका काम और प्रेम सेवा वृत्ति ये कोई भी पृथक पृथक कुछ भी नहीं है, एक है तदा। कृष्ण की सेवा के लिए ही सब कुछ करती हैं, अपने प्रेम, अपने काम की कोई गंध ही नहीं उनके प्रेम में है। और लोगों का कुछ हो सकता है, यशोदा मैया का
नंद बाबा के प्रति प्रीति है, गोपियों को किसके प्रति प्रीति है? किसी के प्रति प्रीति नहीं है, बस कृष्ण के प्रति एकांत। ये गोपियों की प्रेम सेवा का, जिसे कि कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं संपूर्ण रूप से, और इनका भर्षण भी ताड़न तो नहीं करती हैं, पुष्पों से कभी ताड़न कर सकती हैं, किंतु वेद स्तुति ब्रह्मा से भी अधिक उनका मन भर लेते हैं। Rukmini is not included in Kamanuga? No, Kamatmika. But not including Kamatmika? But he has some calm for herself. She can, she can be included there, or she should be put in a Sambandha, because Maryada is there in Sambandha. Because Sambandha relation is marriage. Gopis has nothing. No, they are not bound for marriage to love Krishna. Now Srila Prabhupada is explaining that Rati, that means the sky god, permanent mode of relationship. This Rati is divided into five types. But these five types have been divided into two categories. One category is called Sambandhanuga, and one category is called Kamanuga. Now, those who are in Dasya mood, Sakya mood, Vatsalya mood, this type of Rati, one is aspiring for this, this is called Sambandhanuga. And those who have this, Sambandhanuga. So, Sambandha means relationship. Each person who has this kind of mood has a particular relationship. And these particular relationships have their own maryada, or etiquette of behavior. If this rati, in these types of rati, the celebrity or the tendency to serve cannot transgress the maryada which is connected with that particular mood. Otherwise, it will be finished. For example, Madhya Shoda, according to the etiquette of her relationship with Krishna, she can serve him in so many ways, but she cannot serve him by her whole body in the way that gopis do. Not possible. And therefore, her celebrity, her tendency to serve, is limited at some points by the maryada or the etiquette of the sambandha, the relationship that she has with Sri Krishna. So, what to speak of Madhya Shoda, we see Dhanu Maharaj, the Sakas, those in servants who are like Chitak and Patrak, they are even less able to expand their celebrity. So, the maryada within the different types of rati, it limits their sevavasana and their tendency to serve. But in Kantarati, there is no obstacle at all. It is not bound by any type of maryada. And because it is not impeded, therefore it is not limited. It is unlimited. Now question may come. Oh. So that Madhuryati is called, those who aspire for this are Kamanuga, and those who attain this are Kamanuga. So, Krishna and the gopis, do they have a relationship or not? This question comes. Yes, they have a relationship. But in their relationship, there is the pradhanata or the predominance of
Seva Vasana, their service tendency, celebrity, their tendency to serve is predominant. And therefore, they fulfill every desire that Krishna has. Whatever desire comes in heart, Krishna gopis can fulfill it. But those in Dasa Sakyavatsalya Bhav, they cannot fulfill every desire that may arise in the heart of Sri Krishna. So, in this kind of love, which transgresses all kinds of mayada, the gopis feel that the importance of Veda Dharma, religious activities, Arya Bhakt, public opinion, all of these things, they are as insignificant as a piece of dry straw. Everything is discarded for the sake of Krishna's happiness. So we see that Rukmini, Satyabhama, the queens of Dwarka, they have come. They have this relationship as beloveds of Krishna. But gopis, their calm, their attraction to Krishna as his beloveds, and their celebrity, their praying, are tadatman. Srila Rudra is making a very profound point, very deep point. Their calm and their celebrity are tadatmic. They're completely one with each other. That means that they have no desire to receive any benefits from their relationship with Krishna. There's not even the slightest smell of any kind of self-interest or necessity to be reciprocated with in the love of the gopis. Therefore, Krishna is completely controlled by the love of the gopis, because their calm and their celebrity are tadatmic. They are completely one with each other, there's no difference. Whereas Rukmini Satyabhama and the queens of Dwarka, their calm is somewhat independent from their celebrity, and therefore, even though they are very attractive, they cannot control or attract the mind of Krishna. So, Srila Krishna Skarmaj, he explained, Atmendriya Priti Vancha Tarivali Khan Krishnendriya Priti Icha Dari Pregna. The desire to give happiness to one's own senses is called Khan. He Khan means material lust. But Krishnendriya Priti Icha Dari Pregna, the desire simply to satisfy the senses of Krishna, is called praying. But this praying, it is actually the love of gopis. The karma of the gopis has become celebrated by the name, the praying of the gopis has become celebrated by the name karma. So, the gopis think that somehow or other, by any means, we must give complete happiness to all the senses of Krishna. So then, I ask you the Rukmini and Satyabhama, they have come from Krishna Savadi, the category of Sambhavandaka or Kavandaka. So Srila Gurudev explained that they have a Sambhavandha, a relationship with Sri Krishna, they are married. And so, because their celebrity is limited by the Maryada, which is in regard to the married relationship, therefore they can be called Sambhavandaka. And only gopis are Kavandaka. Though they have a relationship with Krishna, it is based on love, it is not based on marriage, because gopis are not married to Sri Krishna.